शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें, जहां पूजन कर रहे हैं जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, दो चार बूंद, आठ बूंद, पंद्रह बूंद, बीस बूंद, एक चुलो थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है, ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जिस जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वाला पाठ करो, तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो, और उस जल का आचमन, उस जल का सिंचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर दे। हम जल कौन सा सींचते हैं भगवान, अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं, अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं, जब मटके में से भर कर लिया है, कुंड में से भर कर लिया है, अपने घर में नल में से भर कर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया, अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है। जो भगवत स्मरण के लिए रखा है हमने वो नहीं छीटा, हम तो भर कर लाए और छीट दिए। अरे भाई बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर, उसका भजन कर, उसका कीर्तन कर, उसका नाम जाप कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो आता हो तुम वो करना, हम भी बताएं तो भी मत करना, तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी आने वाली किसी भी अपडेट को मिस ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।